हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप जहाँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। सो आज की ये जो एक्सरसाइजेस हम लेके आए हैं, ये हैं अगर किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके साथ उनकी कोई नेक शोल्डर में बहुत ज़्यादा एक्स एंड पेन्स हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो ये एक्सरसाइजेस करने अगर आप करोगे तो उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो करते हैं हमारी आज की पहली एक्सरसाइज शुरू। तो उसके लिए आपको अपनी बैक को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाना है। अपनी जो आपकी कमर होती है उसको, स्पाइन को नीचे करके नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा होके बैठ जाना है आपको। तो उसके साथ हमें अपनी नेक को, हमें हमारे चेहरे को एक साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है जी। सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, मूविंग टू द साइड। एक साइड पे आप जहां पर भी आपकी नेक कंफर्टेबल पोजिशन में हो, आप वहीं तक रुक जाना और अपनी बॉडी को ज्यादा यू नो फोर्स मत करना, और 10 सेकेंड्स के लिए यहीं पे आप रुके रहना। एंड ब्रीथ आउट, गोइंग बैक टू योर पोजिशन। ओके, सो ब्रीथ इन to the other side, stay there for 10 seconds again, and breathe out. First exercise. Now, second exercise हमने करना है जी, कि अपने again neck को side to side, okay, लेके जाना है, मगर अगेन बहुत ही आराम से हमने ये एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग, गोइंग टू वन साइड, और मेक श्योर करना है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो एक कंधा है वो ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। सो कंधे को वहीं पे ही स्टेबल रखना है आपको, अच्छा सा स्ट्रेच करना है अपनी नेक को, एंड गोइंग बैक टू द पोजिशन एंड अदर वे। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको आज मैं बता रही हूँ। आपकी अगर नेक में, गर्दन में या फिर आपके कंधों में कोई बहुत ज़्यादा आप टेंशन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्स एंड पेन्स हैं, तो ये एक्सरसाइजेज आपको इसमें रिलीफ ज़रूर देंगी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन हमने अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, 45 डिग्री एंगल में हमने लेके जाना है, बिल्कुल पीछे नहीं लेके जाना मगर साइड में। एंड अगेन बी देयर फॉर 10 सेकेंड्स, बैक टू योर पोजिशन, अगेन अदर वे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमने अपनी गर्दन को बिल्कुल नीचे लेके जाना है और फिर ऊपर, ठीक है। सो ब्रीद इन, गोइंग डाउन, और अपनी चिन को बिल्कुल अपनी गर्दन के साथ आपने लगा लेना है, एंड गोइंग अप। जितना ऊपर तक आप अपने फेस को लेके जा सकते हो, और अगर किसी को फील होता है कि आप डिजी फील कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज क्लोज योर आईज एंड कम बैक टू योर पोजीशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर लेके जाना है और दूसरे हाथ को अपने हिप्स के नीचे रख लेना है, ताकि आपका ये जो कंधा है इसकी कोई मूवमेंट ना हो सके इसके लिए, ठीक है जी। एंड गोइंग टू वन साइड, आपने उतनी देर तक इसको, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना है जितनी देर तक कि आपको बहुत ज्यादा फील ना हो कि यहाँ पे बहुत एक्स एंड पेन्स हो रही है, यानी कि आप अपनी टेंशन को रिलीज कर रहे हो इस एक्सरसाइज के जरिए।
to the other side. ठीक है जी. एंड जो जो भी आज मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, इन सभी एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हो जी. हर एक एक्सरसाइज को आप 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हो और इसका आप 10 सेकेंड्स ईच, यू नो, ईच टाइम ईच वे आपने देखना और 10 सेकेंड आपने होल्ड करना है एंड बैक टू योर पोजीशन, देन द अदर साइड बैक टू योर पोजीशन. सो इस 5 एक्सरसाइजेस से आपको अपनी नेक एंड आपके शोल्डर्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा. और हमेशा की तरह मैं अपना डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. रखें जी अपना अपना ख्याल. हमारी तरफ से सत श्री अकाल.